तो गाइस हम लोग नौलखा मंदिर आ चुके हैं और ये है जाने का रास्ता। यहाँ से हम लोग नौलखा मंदिर के और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जाने का रास्ता है और हम लोग रोड क्रॉस करते हैं, देखते हैं। इतने पावन मौके पे हम लोग नौलखा मंदिर आए हैं। सिंह जी की मेहरबानी है कि हम लोग नौलखा मंदिर आज के पावन मौके पे हम लोग आए हैं। हम आए हैं और मेरा फ्रेंड आया है, ये रहा मेरा फ्रेंड। अरे हम लोग भी हैं भाई। सो हम लोग आ चुके हैं नौलखा मंदिर और आप देख सकते हैं नौलखा मंदिर का गेट। दिल के सामने देखिए कुछ सामान बिक रहे हैं। आप जब भी आके यहाँ परचेस कर सकते हैं और बता जो भी आप लेने का मन है आप ले सकते हैं। इयर रिंग है, चाबी है, बहुत सारा चीज है जो आप परचेस कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप शंख हो गया, दिया बत्ती हो गया, कुछ भी पूजा के लिए आप परचेस कर सकते हैं। फोटोज फ्रेम समथिंग एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। और आप देख सकते हैं यह है नौलखा मंदिर का दृष्ट। ये है नौलखा मंदिर और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू क्या है। बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर बनाया हुआ, बहुत ही प्यार से तराशा हुआ है इस मंदिर को। अभी हम लोग चलेंगे मंदिर के अंदर और देखते हैं मंदिर के अंदर का दृश्य कि कैसा है ये मंदिर और कैसा चल रहा है। हम लोग अभी मंदिर के अंदर जाने वाले हैं और मंदिर के अंदर जाके देखते हैं कि कैसा यहाँ का व्यू है और कैसा चल रहा है। इतना यहाँ पर फ़ोन चलाना मना है, फ़ोन नहीं चलाएंगे यहाँ पर, लेकिन रूल ओवरटेक कर सकते हैं हम लोग। बहुत ही प्यार से मंदिर को तराशा गया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है और जैसा भी है मुझे तो ये डिज़ाइन यहाँ का बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही प्यार से किया गया है, देखें कितना बारीकी नक्काशी है। ये सब देखिए कितना प्यार से इसको सजाया गया है, ये सबको तराशा गया है। आप देख सकते हैं गौर से कितना प्यार से इसको तराशा गया है। ये सारे पत्थर हैं, कितने प्यार से इसको तराशा गया, देखिए। कितने प्यार से इसको तराशा गया है, अनबैलेंस नहीं हो इसके लिए। बहुत प्यार से इसको देखिए कितना प्यार से तराशा गया है यार। जितने प्यार से ताजमहल को नहीं तराशा गया उतने प्यार से इसको तराशा गया है। आप देख सकते हैं हर इसके बारीकी को बहुत ही प्यार से बनाया गया है। बहुत ही प्यार से इस मंदिर को बनाया गया है। अब देख सकते हैं कि इसको किस शताब्दी में बनाया गया है। मंदिर को बंगाली मुझे नहीं आता बट जो भी शताब्दी में बनाया गया है बहुत प्यार से इसको बनाया गया है। मंदिर काफ़ी खूबसूरत सा है और काफ़ी बड़ा। इसको नौलखा मंदिर कहा जाता है। ये देवघर में पड़ता है, झारखंड देवघर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू ऑल। तो हम लोग टोटो को बाय बाय करके यहाँ से देवघर की तरफ अपने होटल की रूम की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। टोटो वाले भैया को बाय बाय करके, रूम बस हमारा 10 मीटर की दूरी पे है, आगे वो नुक्कड़ पे